वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन जो दिया है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो इसमें आपको केवल लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स छांटने हैं। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो 1,100 है। ये जो 1,100 जो है, ये आपका लाइक टर्म्स में आएगा। लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स होगा। और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, -7x 5/2x, ये देखिए इसमें जो है x की पावर, इसमें जो है x है और इसमें भी x है, यानी कि इसमें टर्म्स दोनों का सेम है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अलग अलग है, लेकिन इसका जो x है इसमें भी x है, दोनों में x है। तो इसका मतलब क्या है, लाइक टर्म्स है। अब इसी तरीके से देखिए, इसमें माइनस का 29x और माइनस का 29y। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स जो है इसमें टर्म्स जो है x है और इसमें y है। तो ये जो माइनस 29x में, इसमें x का वो है और इसमें y कंटेन कर रहा है। तो यानी कि अगर दोनों में अल्फाबेट अलग अलग होगा तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा, unlike terms। तो ये unlike terms हो जाएगा। फोर्थ वाला है 14xy, 42yx। इसमें देखिए, ये जो दोनों टर्म्स का जो पेयर्स बन रहा है, इसमें xy है और इसमें yx है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों में अल्फाबेट सेम है। तो ये लाइक टर्म्स कहलाएगा आपका, लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट, इसी तरह से 12xz 12x2y2। अब देखिए यहाँ पे, देखिए xz है, यहाँ पे देखिए x2y2 है। यहाँ पे टर्म्स जो है सेम नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों का जो अल्फाबेट है वो वापस में सेम नहीं है, यानी कि ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स। तो इस दिए गए क्वेश्चन में के पेयर्स में टर्म्स, पेयर्स ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं। इसमें आपको पता करना है कि लाइक टर्म्स कौन सा है और लाइक अनलाइक टर्म्स क्या है। तो लाइक टर्म्स पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में या तो अल्फाबेट सेम होगा। अगर दोनों में अल्फाबेट सेम है तो लाइक टर्म्स कहलाएगा, और दोनों में अगर अल्फाबेट डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। तो इसमें देखिए डिफरेंट है, नंबर सेम है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट होने की वजह से ये अनलाइक टर्म्स हो गया, डिफरेंट होने की वजह से अनलाइक टर्म्स हो गया। ये जो है सेम होने की वजह से, नंबर्स अलग अलग है लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट जो है दोनों का सेम है और पावर भी सेम है। अगर पावर भी सेम है, पावर भी आपको देखना है, यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, एक्स की पावर जो है दोनों का सेम है और अल्फाबेट भी सेम है, इसलिए लाइक टर्म्स होगा। इसमें भी देखिए नंबर्स है, ओनली केवल नंबर्स है 1,100। तो इसमें कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं और उसकी पावर अगर 0 रखते हैं तब भी वो लाइक टर्म्स में आ जाएगा, यानी कि केवल कांस्टेंट टर्म्स होगा तब भी वो लाइक टर्म्स होगा। अगर कांस्टेंट के साथ साथ अगर कोई अल्फाबेट भी है तो सेम, अगर अल्फाबेट होगा तो लाइक टर्म्स में आएगा, अगर डिफरेंट अल्फाबेट होगा तो अनलाइक टर्म्स में आएगा। इसमें देखिए सेम है, इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई एक्स है, बस आगे पीछे अल्फाबेट हुआ है, लेकिन ये लाइक टर्म्स में आएगा। और ये जो है एक्स जेड है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इसमें भी देखिए, इसमें एक्स तो है और इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें जेड है, इसमें वाई स्क्वायर है। तो यानी कि इसका टर्म्स और इसका टर्म्स जो है दोनों का डिफरेंट है। तो जो दोनों का डिफरेंट है किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये इनके जो अल्फाबेट है वो एक दूसरे के डिफरेंट में आ रहे हैं, सेम नहीं हो रहा, इसलिए सेम ना होने की वजह से ये अनलाइक टर्म्स में आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये पता करना है कि उस अगर सेम टर्म्स होगा, सेम अल्फाबेट होगा तो लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स होगा, अगर डिफरेंट टर्म्स होगा, डिफरेंट अल्फाबेट होगा तो अनलाइक टर्म्स होगा। और एक विशेष, अब पावर अगर दिया हो, मान लीजिए पावर किसी का एक्स दिया हुआ है और दूसरे में एक्स स्क्वायर दिया है तो वो भी डिफरेंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर का भी डिफरेंट होता है और अल्फाबेट का भी डिफरेंट होगा,
तब वो आपका अनलाइक टर्म्स कहलाएगा, अगर सेम होगा तो लाइक टर्म्स में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स एक्स एंड गिवन द कोफिशियंट एक्स। तो दिए गए एक्सप्रेशन में या दिए गए इसमें आपको ये पता करना है कि इसमें एक्स का टर्म्स छांटना है और एक्स के टर्म्स को छांट कर उसमें एक्स का कोफिशियंट निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपका कंटेन्स कंटेन्स एक्स, इसमें कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स, और इधर आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये जो टर्म्स दिए हैं ये एक्सप्रेशन में आएगा। तो पहला जो दिया है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, दूसरा जो दिया है फाइव प्लस जेड प्लस जेड एक्स। इस तरीके से पहले हम दिए गए एक्सप्रेशन का कॉलम कर कॉलम बेस पे बना लेंगे, एक टेबल चार्ट बनाएंगे ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। थर्ड में सेकेंड वाला जो है 13y² है और माइनस का 8yx है। थर्ड वाले में x प्लस वाई प्लस जेड है, फोर्थ वाले में 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स है, और फिफ्थ वाले में 1 प्लस x प्लस xy है। तो पहले इन चार का देख लेते हैं। यहां पे कंटेन्स एक्स, हमें वो वाला टर्म्स निकालना है जिसमें एक्स का टर्म्स दिया हो, जिसमें केवल एक्स का टर्म्स आया हो। तो ये वाले में देखिए वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई में जिसमें एक्स आया होगा वही टर्म्स आपको लेना है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स का निकालना है। अगर एक्स का निकालेंगे तो जो रेस्ट हो जाता है, जो रेस्ट अल्फाबेट बचता है वही आपका कोफिशियंट कहलाएगा वाई स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें सेकेंड वाले में 13y² माइनस 8yx माइनस 8yx होगा। अब यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट निकालना है, जो बच जाता है वही आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। इसमें ये बच रहा है तो ये लिखेंगे माइनस का 8y। इस वाले में x का है, इसमें y² बच रहा है, तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट जो मल्टीपल नंबर्स होगा वही आपका मल्टीपल्स जो बचेगा वही आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। एक्स का पूछेगा तो बाकी जो एक्स को छोड़ के बाकी जो बचता है वो लिखना है। अब इसमें एक्स प्लस वाई यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस 2 दिया हुआ है। इसमें क्या देखना है, एक्स का केवल टर्म्स लेना है। इसमें एक्स का ये वाला टर्म्स है तो जिसका पूछेगा बस उसी का टर्म्स लेना है, कंटेन्स एक्स। तो वो दिए गए एक्सप्रेशन में आपको वो टर्म्स लेना है जिसमें एक्स दिया होगा। तो एक्स दिया तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल इसके एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिया है। जिस टर्म्स में कोई भी न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है तो उसका 1 होता है। तो इसका एक्स का न्यूमेरिकल नंबर इसका हो गया 1। अब इसी तरीके से जेड एक्स होगा, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। सिर्फ हमें वो वाला लेना है जिसमें एक्स शामिल हो, जिसमें एक्स मौजूद हो वही टर्म्स आपको वही वही टर्म्स आपको निकालना है जेड एक्स वाला। ये 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, इसमें जेड एक्स ले लिया और इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, जेड। तो ये इसका ये हो गया। अब इसी तरीके से 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें दो टर्म्स है एक्स और एक्स वाई। अगर किसी भी टर्म्स में एक से ज़्यादा अगर टर्म्स है, कंटेन्स एक्स वाला है, तो एक्स कामा एक्स वाई कर देंगे, इसका कोफिशिएंट होगा 1 और इसका कोफिशिएंट होगा वाई।
तो इसमें वो कोफिशेंट ऑफ एक्स का निकालना है तो वाई हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, यहां तक हो गया है। इसमें 12xy² + 25, ये 6 नंबर हो गया और ये 7th नंबर, 7x + xy² दिया हुआ है। इसमें भी देखिए 12xy² है प्लस 25 है, इसमें भी वही लेना है, जिसमें x होगा, जिसमें x मौजूद होगा वही उसका कंटेंट्स लेना है, 12xy². अब ये न्यूमेरिकल वाला में नहीं लेना है, यहाँ पे बस ये देखना है कि हमें वो टर्म्स निकालना है जिसमें x आपका कंटेंट्स में आ रहा हो, यानी कि उस टर्म्स में x होना चाहिए। अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा 12y², क्योंकि जो बच जाएगा वही आपका कोफिशिएंट कहलाएगा x का। अब 7th वाले में 7x + xy², इसमें दो है, 7x है और एक xy² है, 7x + xy² है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जो टर्म्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पे x के दो टर्म्स हैं, 7x है और एक xy² है। तो आपको क्या निकालना है, x का कोफिशिएंट, ये 7 हो जाएगा इस वाले का, 7x में x का कोफिशिएंट होगा 7 और xy² में x का कोफिशिएंट हो जाएगा y². तो इस तरीके से जब आपको अलजेब्रा बेस पे ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, तो अगर जिसका पूछेगा, अगर कंटेंट्स x लगाता है तो x का टर्म्स निकालना होगा, अगर कंटेंट्स y है तो y वाला निकालना होगा, जिसका जिस अल्फाबेट का पूछेगा उसी अल्फाबेट, उसी एक्सप्रेशन में उसी अल्फाबेट के टर्म्स को निकालना होता है। फिर जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसका कोफिशिएंट x का पूछ रहा है, जो रेस्ट बचता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए अलजेब्रा के जो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।